मित्रों नमस्कार, आज मैं आपको डीजी परिपत्र संख्या 33/13/33/13 के संबंध में अवगत कराना चाहता हूँ। यह परिपत्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध दी जाने वाली दबिश तथा तलाशी में बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण परिपत्र है। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी हम दबिश में जाते हैं, अपराधी की गिरफ्तारी हेतु जाते हैं, तो कहीं कहीं पर सावधानी पूर्वक न रहने पर पुलिस कर्मियों की क्षति होती है तथा कई पुलिस कर्मियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। हम गंभीर रूप से इसका विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि हमारे टैक्टिक्स तथा प्रोफेशनलिज्म में कुछ न कुछ कमी जरूर है। गिरफ्तारी के लिए पहले से ही एक मानसिक तैयारी कर ली जाए। जिसके भी गिरफ्तार करने जाना है या दबिश देने जाना है, अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों को अवश्य उसके संबंध में पूर्व से अवगत करा दिया जाए। हमेशा अलर्टनेस रहे तथा निर्णय लेने की क्षमता एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो समय समय पर उस ऑपरेशन में इन परिस्थितियों में निर्णय ले सके। त्वरित कार्रवाई से संदिग्ध पर हावी होकर उसे पराजित करने का प्रयास करना चाहिए और शॉक इफेक्ट की तरह काम करना चाहिए। टेररिज्म ऑपरेशन में और दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में यह अत्यंत प्रासंगिक है। दबिश के दौरान सेल्फ कंट्रोल डिटर्मिनेशन भी अवश्य होना चाहिए। दबिश से पूर्व उस व्यक्ति की सूचना और अभिसूचना दोनों एकत्र कर ली जाए, गांव मोहल्ले वगैरह से इसके बारे में जानकारी कर ली जाए। तलाशी और दबिश के दौरान बेसिक टेक्निक जरूर अपनाई जाए। इसमें पेयर बनाकर नाकाबंदी करके दबिश दी जाए तथा कम से कम एक दो पुलिसकर्मी हमेशा लोडेड पोजीशन में अवश्य होने चाहिए ताकि वक्त पर हम अपना कार्य कर सकें। हमेशा सेंस ऑफ डायरेक्शन में काम करें। थानों पर ड्यूटी बदलती रहती है, निरंतर एक कर्मी से एक कर का कार्य न लिया जाए। जब भी दबिश में या दुर्दांत अपराधी के यहाँ दबिश में जाए तो थाने को उपलब्ध बुलेटप्रूफ जैकेट अवश्य पहन लिया जाए। वॉकी टॉकी सेट से हमेशा जनपद नियंत्रण कक्ष के संपर्क में आप रहें। कोई भी कार्रवाई हड़बड़ी में नहीं होनी चाहिए, नपी तुली व नियंत्रित कार्रवाई निश्चित रूप से करें। दबिश में जब भी जाए तो पर्याप्त पुलिस बल लेकर जाए और टुकड़ियों में उसको बांट करके अलग अलग छोरों पर निर्धारण कर दबिश दी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जब भी किसी वाहन की चेकिंग की जाए तो नाकाबंदी और अलर्टनेस अवश्य रहे। इसमें बताए गए बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि हमारे पास रणकौशल का प्रशिक्षण कराया जाए, अधीनस्थ कर्मियों को इसके बारे में जानकारी दी जाए, बार बार उसकी डीब्रीफिंग होती रहे तथा ऑपरेशन व चुनौतियों से कैसे निपटा जाए इसके बारे में भी प्रशिक्षण अवश्य कराया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर्स का अवश्य पालन हो और इस प्रकार पूर्व नियोजित दबिश में परिस्थितियों और एंटी नेशनल ड्यूटियों, एंटी डकैती ड्यूटीज, सांप्रदायिक ड्यूटी, भीड़भाड़, इन सब में अवश्य एसओपी का पालन किया जाए तथा उस एसओपी की प्रत्येक हर प्रति हर थानों में होनी चाहिए और इसका जिला पुलिस अधीक्षक के स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। नमस्कार।